गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास वी हैव फिनिश्ड चैप्टर नंबर टू एंड सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आई वुड लाइक टू टेल यू लाइक व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर्स आर सेपरेटेड बाय टेक्निक्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन के मेथड से, टेक्निक से कौन से मिक्सचर्स जो हैं सेपरेट किए जाते हैं, तो जिनमें इनसॉल्युबल या सॉल्युबल इम्प्योरिटीज और जो क्रिस्टलाइन हो किसमें नेचर में, वो या तो डिकम्पोज हो या चैर्ड हो सकते हो, जैसे कि सुगर हो हीट करने पर या ड्राई करने पर, उनको जो भी मतलब ऐसे सब्सटेंस जो भी इवापोरेशन से सेपरेट नहीं किए जा सकते, वो भी क्रिस्टलाइजेशन से जो है सेपरेट किए जाते हैं। जो ऐसे भी सब्सटेंस जो फिल्ट्रेशन या से सेपरेट नहीं किए जा सकते, ये भी किससे किए जाते हैं सेपरेट, क्रिस्टलाइजेशन से। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से पूछा गया है कौन सा टिंडल इफेक्ट दिखाए, कौन सा सब्सटेंस मतलब कौन सी चीजें जो है टिंडल इफेक्ट दिखाएंगे। पहला है सॉल्ट सॉल्यूशन, दूसरा है मिल्क, तीसरा है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, चौथा है स्टार सॉल्यूशन। तो इसमें जो केवल मिल्क और स्टार्च है सॉल्यूशन, ये क्या करेंगे, कोलाइड होंगे और ये टिंडल इफेक्ट दिखाएंगे। जबकि सॉल्ट सॉल्यूशन है जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, ये ट्रू सॉल्यूशंस हैं और ये टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाएंगे, क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स होते हैं इनका साइज जो है स्मॉल होता है, ठीक है। और जो मिल्क और स्टार सॉल्यूशन है, ये कोलाइड हो जाते हैं, इससे जो है टिंडल इफेक्ट दिखा सकते हैं। हियर वी हैव फिनिश्ड टुडेस क्लास, थैंक यू वेरी मच।